व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज की वीडियो हम लोग काफ़ी सारे रिएक्शंस नहीं, वीडियोस देखने वाले हैं और आप लोग में रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी काफ़ी ट्रेलर्स देखने को मिल गए हैं जिनमें से हम कुछ टेकआउट किए हैं। हाँ, एंड बीइंग अ मैन ऑफ कल्चर आप लोगों को मालूम पड़ जाने चाहिए कि हम कौन से ट्रेलर्स को चेकआउट कर चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग उन सभी ट्रेलर्स को वापस से देखेंगे, मतलब हम लोग साथ में देखने वाले पहली बार, और कुछ ट्रेलर्स हैं जो कि हम एक बार भी नहीं देखे हुए हैं, तो इनको हम लोग हटाते हैं। हम लोग खोलते हैं यूट्यूब, ठीक है, ये कौन ऐसे बोलता है आप लोगों को नीचे कमेंट जरूर बताना, और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं सब्सक्रिप्शंस में। ओके, तो हाँ, आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि हम कौन से ट्रेलर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक, मगर हम सारे सारे नहीं देखे। तो जो सबसे पहले ट्रेलर आया हम लोग सबसे पहले उसी को देखने वाले हैं। तो चलो खोलते हैं। Here comes a new challenger. Full HD baby, full HD. Fighter. मतलब गायल को हम इतने समय के बाद, मतलब हम फोन में खेलने वाले हैं, और इसके जो मूव्स हैं, देखो हम असल में कंसोल गेम्स को उतना फॉलो नहीं करते, कुछ चुनिंदा गेम टाइटल्स इनको हम फॉलो करते हैं, मगर गायल को ये सब मूव्स देखे ना, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करें मालूम, लिटरली जिसको। अब देखो हमको नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं, हम जब छोटे थे ना, वो जो आप लोग जो इसका रिंग्स को देख रहे हो ना, जो एनर्जी वाले स्पिन हो रहे हैं, इसको चक्री बोलते थे हम लोग, ठीक है, बोलते थे वो चक्री वाला को लेके आएंगे ना, फिर तेरे को बजा देंगे, हम लोग ऐसे बात करते मालूम दोस्त लोग में, मतलब हाँ अब देख ले चक्री ले ले, हम लोग ऐसे बोलते थे मालूम है। और खास करके ये वाला गायल तो, हाँ ये मैच्योर्ड गायल लग रहा है, मगर ये वाला गायल तो लिटरली, मतलब हम इसका बात कर रहे हैं, ये तो भैया है, मतलब लिटरली हम जो क्लासिक गायल की बात करें, ये वही वाला गायल है इसका, जिसको लेकर हम खेले हुए हैं। द न्यू चैलेंजर उनसुक नो कोबुशी ओ मिसेते यो क्लासिक गायल के पास ब्लीड है, ऑब्वियस चीज से दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी नया स्किल, थर्ड स्किल डिफरेंट होने वाला दोनों गाइल्स के बीच में। その程度では俺には勝て。मजा आएगा गाइल को लेके भाई, हम सही बोले, हम काफ़ी इंटरेस्टेड है गायल के लिए, मतलब हाँ वो तो है, मगर अब थोड़ा सा हम लोग जरूरी टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि कैरी। और देखो हम बता दे रहे हैं आप लोगों, शायद कुछ लोग सुन के लगे भाई ये क्या बोल रहा है ये, मगर नहीं, ये सच बात है, हम कैमी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, हमको कैमी का लोर के बारे में नहीं मालूम, बस इतना मालूम शायद कैमी को चुनली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से बचा के निकाली थी, यहाँ तक कि हमको ये भी नहीं, कैमी कौन से गेम में मतलब पहली बार डेब्यू की थी। तो हाँ, अगर आप लोग मालूम हो आपको नीचे कमेंट जरूर बताना, क्योंकि अगर इसका लोर इसके उनके जैसे इंटरेस्टिंग है तो हो सकता है इसके ऊपर वीडियो बना दें, ठीक है, आप लोगों को नीचे कमेंट जरूर बताना। मगर हाँ, ये वाला जो भी लोग कैमी का वर्जन देखने वाले, ये स्ट्रीट फाइटर 6 का वर्जन है, जो कि अगर आप लोग स्ट्रीट फाइटर 6 ऑन करते हो आप लोग इसको लेके खेल पा रहे होगे, मतलब ये इसका वही वाला कॉस्ट्यूम है वर्जन, जो भी बोलो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है। मैं जो भी बोलो ना, बंदी क्यूट लग रही है, ठीक है, एप्स देख रहे हो बाप रे, ऑन ये माइक को क्यों मार रही है यार, ये माइक को क्यों मार रही है, स्लो मोशन देखें, एक चीज हमको देखना है,
ये मार क्या रही है? ओके किक ही है, किक ही है, हमको लगा कुछ और उसे मार रही है। Look on. Okay, next. ये जो आप लोग ये वाला शॉट भी देखे हैं ना, हाँ ये वाला शॉट, क्लासिक कैमी का ये वाला शॉट देखेंगे हम लोग, ठीक है? वो तुम लोग देखेंगे, बस यूट्यूब सेंसर ना कर दे मेरे वीडियो को। ओके नेक्स्ट। और इसका नाम कैमी वाइट है, हमको नहीं पता था। Here comes a new challenge. Here comes a new challenger. 私のターン。ターゲット沈黙。देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, हमको इतना बताओ जितना हम इसके बारे जान रहे हैं, इस कैरेक्टर बारे जान रहे हैं। कैमी, ठीक है रुको, हाँ ये जो महिला है, ये जो स्त्री है, ये शायद मिलिट्री में है। हमको तो कौन सा मिलिट्री में ऐसे यूनिफॉर्म है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये भाई कुछ भी नहीं है, हमको लगता है कुछ मतलब कि मर्सनरी ही हो, तो कौन से मर्सनरी में ये यूनिफॉर्म चलता है भाई, मतलब इतना टाइट और इतना रिवीलिंग, मतलब क्या है भाई ये? ठीक है भाई, इससे से केएफ वाले है, मतलब माई थोड़ी रिवीलिंग टाइप की है, वक्त अच्छा सॉरी, हाँ तो माई थोड़ी रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनती, मगर उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग दिया हुआ है कि वो एक निंजा है, वो किनो कुनोइची है, फीमेल निंजा से कुनोइची बोलते हैं, जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सेडक्शन मेथड्स का यूज़ करती हैं अपने फाइटिंग मेथड्स में, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव मेजर्स लेती हैं अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। मगर ये कौन सा डिस्ट्रैक्शन है भाई, और ख़ास करके ये जो हम लोग के यहाँ जो किक पड़ा है ना, ये खास ज़रूरी तो हमको नहीं लगा कि ये वाला शॉट इतना स्लो मोशन में डालने की जरूरत था, समझ रहे हो? और स्लो मोशन शॉट को बहुत, और इस मतलब ये वाला शॉट को स्लो मोशन डालने की जरूरत तो नहीं था, मगर इस स्लो मोशन वाले शॉट को भी बहुत लोग स्लो मोशन देखने वाले हैं। ए भाई को इसको वॉलपेपर मत लगाना पड़ा, ठीक है अच्छा बात नहीं रहेगा, हम इसको थंबनेल लगा लें क्या, लीक बेट हो जाएगा, छोड़ो हम कुछ देखते हैं, कुछ थंबनेल लगा लेंगे ढंग का। और चलो गाइस, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ट्रेलर्स पसंद आए होंगे इन कैरेक्टर्स के, और आपके थॉट्स के हमको नीचे कमेंट्स में बताना। मेरे फर्स्ट इम्प्रेशंस पॉजिटिव हैं, हम पर्सनली गाइल के लिए एक्साइटेड थे, जो कि हम अभी भी हैं। अब केन का देख रहे हैं लोग, केन के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि केन यार बहुत ज़्यादा आइकॉनिक, जितना रियू है उतना ही केन भी है, तो अगर लोग केन को ख़राब करते तो ये बिल्कुल भी अच्छा मूव नहीं होगा नेट मार्वल तरफ से। पर फिर भी देखते हैं अब क्या होने वाला क्या नहीं, ये तो कोलैबोरेशन के लिए। अब सिर्फ आज कितना तारीख है, आज हो गया शायद 25 तारीख, 26, 27, 28, मतलब लिटरली 3 दिन के बाद चौथे दिन पे हम लोग का कोलैबोरेशन आ जाने वाला है। तो गाइस आप लोग कितना एक्साइटेड हो हमको नीचे कमेंट्स में बताना, और आपके अभी तक रूबीज कितने हो गए हैं हमको वो भी नीचे जरूर बताना। हम अपना फार्मिंग चालू कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा फार्म तो नहीं कर पाए, फिर भी कुछ ठीक ठाक रूबीज हैं। तो हाँ अगर वीडियो में जो है लाइक मारो, चैनल सब्सक्राइब मारो, और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और लोग मिलते हैं कल के वीडियो में या फिर स्ट्रीम में, पता नहीं जो भी पॉसिबल है उसमें। तब तक सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।